हेलो दोस्तों, तो हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज और नेदरलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 18वें मुकाबले के बारे में, जिसमें टॉस जीता था पहले नेदरलैंड की टीम ने। पहले किया था गेंदबाजी का फैसला। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने बोर्ड पर लगाया था 374 रन 6 विकेट के नुकसान पर 50 ओवरों में। ब्रेंडन किंग जॉनसन चार्ल्स ओपनिंग पर आए। किंग ने बनाई कि 80 गेंदों में 76 रन 13 चौके लगाए इन्होंने अपनी पारी में। जॉनसन चार्ल्स 55 गेंदे 54 रन 9 चौके 1 छक्का। शैमरा ब्रूक 31 गेंदे 25 रन 2 चौके। शाई होप 38 गेंदे 47 रन 3 चौके 2 छक्के। निकोलस पुरन ने नाबाद शानदार पारी खेली 65 गेंदे 104 रन 9 चौके 6 छक्के। सेफर्ड डक पर आउट हुए। होल्डर ने 4 गेंदों में 8 रन बनाए। कीमो पॉल ने बनाए 25 गेंदों में 46 रन 4 चौके 2 छक्के। बात करते हैं नेदरलैंड की गेंदबाजी की। किग्मा 10 ओवर 66 रन 1 विकेट। बैनबीक 10 ओवर 77 रन 1 विकेट। बैजडी लीड 6 ओवर 72 रन 2 विकेट। और साकिब जुल्फिकर 7 ओवर 43 रन 2 विकेट। अब बात कर लेते हैं नेदरलैंड की बल्लेबाजी की। तो नेदरलैंड ने भी शानदार चेस किया। ओपनिंग साझेदारी शानदार रही विक्रमजीत सिंह और मैक्स ओदाउद ने पहले विकेट के लिए बनाए। 76 रन पर पहला विकेट गिरा नेदरलैंड की टीम का। विक्रमजीत सिंह 32 गेंदे 37 रन। मैक्स ओदाउद 36 गेंदे 36 रन 5 चौके 1 छक्का। वेस्ले बर्सी 34 गेंदे 27 रन 2 चौके। बैजडी लीड 47 गेंदे 33 रन 1 चौका लगाया उन्होंने अपनी इनिंग में। फिर आए तेजा निदामंडू 76 गेंदे 111 रन 11 चौके 3 छक्के। स्कॉट एडवर्ड्स 47 गेंदे 67 रन 6 चौके 1 छक्का। साकिब जुल्फिकर 5 गेंदे 3 रन। लोगान बैनबीक ने बनाए 14 गेंदों में 28 रन 3 चौके 1 छक्का 200 का स्ट्राइक रेट रहा इनका। आर्यन दत्त 9 गेंदे 16 रन 2 चौके और क्लाइटन फ्लॉयड 1 बॉल में 0 रन बनाए। और इसी के साथ ये मैच जो था वो टाई रहा। नेदरलैंड ने 50 ओवर में 374 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। अब बात कर लेते हैं सुपर ओवर के बारे में। तो बल्लेबाजी के लिए आए थे लोगान बैनबीक और स्कॉट एडवर्ड। स्ट्राइक पर थे लोगान बैनबीक। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद चौका, चौथी गेंद फिर छक्का, पांचवी गेंद फिर छक्का, छठी गेंद फिर चौका। तो इस तरीके से सुपर ओवर में बनाए नेदरलैंड की टीम ने 30 रन। अब टारगेट था 31 रनों का। 31 रन बनाने थे वेस्ट इंडीज की टीम को चेस करने के लिए। उधर से बल्लेबाजी के लिए आए थे जॉनसन चार्ल्स के साथ शाई होप। स्ट्राइक पर थे जॉनसन चार्ल्स। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद सिंगल, तीसरी गेंद सिंगल, चौथी गेंद आउट, पांचवी गेंद आउट। और ये मैच जीत लिया नेदरलैंड की टीम ने। सुपर ओवर में नेदरलैंड की टीम ने इस तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम को हराया। और वेस्ट इंडीज का जो सफर था वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई करने का, वो खत्म हो चुका है। तो वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुकी है।